हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो के साथ। आज हमारी वर्कशॉप पर एक गाड़ी, पलटी हुई गाड़ी आई है, जिसको हम पूरा उखाड़ के इस गाड़ी को सीधा करेंगे और उसकी वीडियो साथ साथ में अपने YouTube चैनल पर डालते रहेंगे। पीछे से देख सकते हैं आप गाड़ी के पूरे एंगल जो हैं, चादरें वगैरह, एंगल वगैरह सारे टेढ़े हो चुके हैं, पूरे गोल हो चुके हैं। इसको थोड़ा थोड़ा करके गाड़ी को सारा साफ़ किया जाएगा, सारा खाली किया जाएगा गाड़ी को। फिर एंगल्स वगैरह इसके आधे एंगल इसके नए लगेंगे, जो आधे एंगल यही सीधे हो जाएंगे। नीचे का जाल वगैरह देख सकते हैं सारा टेढ़ा हो चुका है, इसको उखाड़ कर नया लगाया जाएगा जाल। और जो भी पुराना सामान लग सकता है वो सामान पुराना ही लगेगा। आगे देख सकते हैं चादर भी सारी बिंगी हो चुकी है, चादर देख सकते हैं चादर में बल पड़ चुके हैं, नीचे का जाल पूरा टूट चुका है। ढो जो है गाड़ी की, ढो काफ़ी बिंग टेढ़ी हो चुकी है। गाड़ी जो पलट कर से गाड़ी के टायर ऊपर हो गए थे और बॉडी नीचे हो गई थी, उसकी वजह से गाड़ी पीछे ढो देख सकते हैं, ढो भी सारी उखाड़ कर गाड़ी को एकदम साफ करना पड़ेगा। कैबिन पे भी देख सकते हैं आप, डेंट पड़ चुके हैं, टूल वगैरह पूरा टेढ़ा हो चुका है। गाड़ी के हालात देख सकते हैं, काफ़ी बिगड़ चुके हैं गाड़ी। गाड़ी हम आपको स्टेप बाय स्टेप सारा सच दिखाएंगे। गाड़ी को पूरा, गाड़ी की चासी निकाली जाएगी, एकदम नए जैसे चासी निकल जाएगी, फिर दोबारा ये गाड़ी तैयार होगी। आप देख सकते हैं गाड़ी पलटने की वजह से काफ़ी गाड़ी का नुकसान हुआ। दूसरी तरफ भी देख सकते हैं, दूसरी तरफ भी ऊपर की पूरी लहरें वगैरह टूट चुकी हैं और एंगल देख सकते हैं नीचे बत्तों में, जड़ में से एंगल पूरे टूट चुके हैं। देख सकते हैं कुछ एंगल टूट के अलग ही हो चुके हैं पूरे, देख सकते हैं एंगल गाड़ी के सभी टूट चुके हैं। ये गाड़ी भारत बेंज की गाड़ी है, ये 24 फुट की गाड़ी लंबी है, ये भारत बेंच की 2019 मॉडल गाड़ी है, ये 16-15 गाड़ी है। गाड़ी के हालात देख सकते हैं, पूरे एंगल पिंगे हो चुके हैं, तो ढो तो गाड़ी की एकदम टेढ़ी हो चुकी है, गाड़ी बहुत ही ढो टेढ़ी हो गई है। आगे से देख सकते हैं गाड़ी भारत बेंच गाड़ी है, इसका हम प्रोसेस बाय प्रोसेस गाड़ी का आपको काम दिखाएंगे, गाड़ी को हम कैसे उखाड़ेंगे और कैसे फिर से बनाएंगे। देख सकते हैं गाड़ी का नंबर भी नीचे देख सकते हैं आप, गाड़ी के हालात देख सकते हैं। अभी पलटने के बाद गाड़ी को काफ़ी नुकसान हो गया है।